हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रंभाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ हक्का नूडल्स। देखिए कितना अच्छा हक्का नूडल्स बनकर तैयार हुआ है। उसके लिए नूडल्स को बॉईल करने के लिए मैं पैन में पानी चढ़ा दी हूँ। देखिए इस तरह गर्म होना शुरू हो गया है। अब इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और दो चम्मच तेल डालेंगे। इससे क्या होता है, नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं और उस अलग अलग रहेंगे। और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा देर। देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसमें इस तरह से नूडल्स देखिए ये है। अब इसको दो टुकड़ों में तोड़ के डाल देंगे। ज़्यादा छोटा ना करें इसको, नूडल्स को। और इसको बाकी बचे डाल देंगे। अब इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसके सारे नूडल्स को अलग अलग इस तरह से खोलेंगे ताकि ये आपस में चिपके हुए न रहे। देखिए इस तरह से अभी थोड़ा बॉयल हो चुका है। अब इसको चेक कर लेंगे कि पका है या नहीं। देखिए ये अभी पका नहीं है, अभी कच्चा ही है। और बॉयल होने देंगे। देखिए ये बॉयल हो चुका है। अब फिर से चेक करेंगे कि ये पका या नहीं। बहुत ही गर्म है। आप इसको इस तरह से खींच करके देखिए। देखिए ये हो चुका है। इसका पहचान ही है इस तरह से टूटना कि नूडल्स हो गया है। अब इसको आइस वाटर यानी ठंडा पानी जो है बर्फ़ का, उसमें छान करके नूडल्स को उसमें डाल देंगे ताकि अलग अलग सब रहे। अब वेजिटेबल को फ्राई करने के लिए पैन लेंगे और उसको गरम करेंगे। और इसमें तेल डालेंगे, 3 चम्मच तेल डाल देंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। इस तरह से इसको घुमा लेंगे। अब इसमें कटी हुई ग्रीन चिल्ली डाल देंगे और कटी हुई गार्लिक भी यानी लहसुन कटा हुआ डाल देंगे। अब देखिए इसमें प्याज एक छोटी सी ली हूँ, गाजर एक, कैप्सिकम ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, स्प्रिंग ओनियन मतलब ग्रीन प्याज और पत्ता गोभी। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, आपके पास जितनी वेजिटेबल है डाल सकते हैं। तो प्याज को मैं डाल दूँगी इसको फ्राई होने के लिए। हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करें सारे सब्जी को। इस तरह से चला देंगे 1-2 सेकंड के लिए। अब इसके बाद इसमें गाजर डाल देंगे क्योंकि गाजर पकने में गाजर थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए पहले इसको डालेंगे और कैप्सिकम को बाद में डालेंगे थोड़े से फ्राई होने के बाद। अब इसको 4-5 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे ही। देखिए 4-5 सेकंड हो गए। अब इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे कटा हुआ, जो काट के रखी हूँ। और इसको 2-3 सेकंड के लिए फिर से चलाएंगे यानी भूनेंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए इसको पकाया जाता है ताकि इसका जो थोड़ा मॉइस्चर रहता है वो यानी पक जाता है थोड़ा, और लेकिन क्रिस्पी ही रहता है ये। अब इसमें सारे कैप्सिकम डाल देंगे। और इसको 2-3 सेकंड के लिए फिर से भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल दम सारे वेजिटेबल। अब इसमें सॉस डाल देंगे, सोया सॉस डालेंगे पहले 2 चम्मच। अब टोमेटो सॉस डाल देंगे 2 चम्मच।
अब इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा तीखा तीखा टेस्ट आता है। अब इसको चला लेंगे। अब इसमें विनेगर डाल देंगे, देखिए इस विनेगर डाल देंगे, इसको फिर से चला लेंगे। देखिए वेजिटेबल ये बॉयल हो गया फ्राई हो चुका है। अब इसमें नूडल्स को डाल देंगे, इसको चलाएंगे दोनों तरफ, दो स्पैचुला ले लेंगे उसको चलाएंगे। मैं इसी तरह से चलाती हूँ, इस तरह से नूडल्स को मिलाएंगे। इससे क्या होता है अच्छी तरह से नूडल्स मिक्स हो जाते हैं वेजिटेबल में। इसको थोड़े से हाई फ्लेम पे ही इसको भूने, ज़्यादा देर नहीं भूने, बस ये मिल चुका है। अब इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डाल देंगे, यानी नमक डाल देंगे, क्योंकि सारे सॉस में नमक थे और नूडल्स को भी बॉईल की थी तो नमक डाली थी, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालिए। और इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको दोनों हाथों से फिर से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो गया। अब इसमें हरा प्याज डालेंगे, यानी स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे। देखिए इस तरह से काट करके अब इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करते जाइए। देखिए बन के तैयार हो गया। अब इसको प्लेटिंग के लिए चलेंगे, सर्व करने के लिए। इस तरह से प्लेट में निकालेंगे, देखिए कितना अच्छा बना। देखिए ये बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बगल में बेल बटन जो है उसको दबाना नहीं भूलिए, और अपने फ्रेंड और रिलेटिव को शेयर करना ना भूलें।